माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं के एग्जाम 31 मार्च से करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज झुंझुनू जिला मुख्यालय के जेपी जानू स्कूल से 245 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। एडीओ नीरज सिहाग ने बताया कि डीईओ सुभाष चंद्र ढाका, एडीओ राजेश पुनिया तथा एडीओ एलिमेंट्री प्रमोद अबूसरिया की मौजूदगी में 245 केंद्राधीक्षकों को पेपरों का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि 16 बसों से अलग अलग रूट तय कर पुलिस सुरक्षा के साथ पेपर रवाना किए गए, जो जिले के 19 थानों और 5 चौकियों में सावधानी पूर्वक रखवा दिए गए हैं। अब संबंधित परीक्षा के दिन केंद्राधीक्षक अपने अपने थाने चौकियों से प्रश्न पत्र लाकर परीक्षा करवाएगा। सभी केंद्रों के प्रश्न पत्र थानों चौकियों में रखवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा 26 अप्रैल तक चलेगी। इस परीक्षा के लिए झुंझुनू जिले में 34,501 परीक्षार्थी पंजीबद्ध हैं। वहीं एक अन्य जानकारी देते हुए एडीओ सिहाग ने बताया कि 12वीं की दूसरे चरण की परीक्षा भी 4 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जिनके पेपर भी झुंझुनू जल्द पहुंचने वाले हैं। इसके लिए भी फिलहाल यह तय किया गया है कि 2 अप्रैल को केंद्राधीक्षकों को पेपर बांटे गए। जिले में बोर्ड ने इस बार 258 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 10वीं का एग्जाम केवल 245 परीक्षा केंद्रों पर ही होगा। माध्यमिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं, वो सभी प्रश्न पत्र जेपी जानू स्कूल में अपने यहाँ रखे गए थे और आज सुबह से ही उन सभी का वितरण जो है शुरू कर दिया गया है। अपने जिले में कुल 258 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें से 13 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिसमें सिर्फ उच्च माध्यमिक के विद्यार्थी प्रविष्ट हो रहे हैं। उनके अलावा जो 245 परीक्षा केंद्र हैं, उन सभी के केंद्राधीक्षक साहिबान को हमने यहाँ पे आज बुलाया है। 16 रूटों में ये व्यवस्था की गई है। प्रत्येक रूट के साथ बस में केंद्राधीक्षक जाएगा, उसके साथ 2 सुरक्षाकर्मी रहेंगे और 2 ट्रिप प्रभारी उसके साथ रहेंगे और संबंधित थानों में जाकर के जो वहाँ पे अलमारियाँ पहले से रखी हुई हैं वहाँ पर जाकर के उन प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखेंगे।